हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चार हिंदी का दूसरा पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी जैसा प्रश्न वैसा उसका उत्तर। आप सभी लोग अपनी किताबें अपने सामने खोलेंगे, हिंदी की आप किताब खोलिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर, आपने नाम सुना ही है। वे अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। उनके दरबार में एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था? बीरबल। वह उसको बहुत पसंद करते थे। बीरबल के बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, यानी बीरबल इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमानी के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और बीरबल की बुद्धिमानी से कुछ जो उनके दरबारी थे, उस दरबार में कुछ और जो दरबारी थे, वो बीरबल से क्या थे? जलते थे। जलना का मतलब चिढ़ना या ईर्ष्या करना। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे क्या करते थे? बीरबल को हर समय किसी मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे कि कैसे हम बीरबल को मुसीबत में फंसाएं और ताकि यह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। यह तरीके जो उस दरबार के अन्य दरबारी थे, वह क्या करते थे? बीरबल को हर समय जो थे मुसीबत में फंसाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह बीरबल से बहुत चिढ़ते थे, जलते थे। तो आगे, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक और खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उनको क्या था? अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को अपने सामने क्या समझते? नीरा, केवल एक छोटा बच्चा समझते थे और मूर्ख समझते थे, बेवकूफ समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अपने आप को ही सब कुछ मानने से कुछ नहीं होता जब तक लोग आपको, आपके सामने आपकी तारीफ न करें। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। उस दरबार में बीरबल की ही तूती यानी उनकी ही चलती थी। जो वह बातें कहते थे वही राजा सुनता था और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। और जो ख्वाजा साहब वहाँ बोलते थे उनकी आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे उनकी बात को वहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता हो। नक्कार खाना एक प्रकार का ये ऐसी जगह है जहाँ पर नगाड़े बजाए जाते हैं और उसमें तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ एक मुहावरा भी है और इसका अर्थ है यहाँ पे छोटे लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाना। तो ऐसे ही वहाँ पे ख्वाजा साहब की बातों को भी क्या कर दिया जाता था? नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो वो क्या करते? बीरबल को हिंदुस्तान से क्या कर देते? निकाल देते। लेकिन यह मौका उनको नहीं मिल पाता था। अब आगे, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब एक दिन क्या हुआ? ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया?
अपने मन में कुछ सोच विचार किया और कुछ मुश्किल से प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। उन्हें विश्वास यकीन था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर क्या हो जाएंगे, बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बुरी तरीके से पराजित होना, हार जाना। तो ख्वाजा सरा को यकीन था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी वह बुरी तरीके से हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और बीरबल क्या, चाहे वो लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन फिर भी वह इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। और बादशाह क्या सोच लेगा कि अब जो ये बीरबल है वह ख्वाजा साहब के सामने क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। ख्वाजा साहब अचकन एक प्रकार का कुर्ता, गोल कुर्ता होता है, और पगड़ी, सर पर उन्होंने अपनी पगड़ी पहनते हुए के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। क्या बोले? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार बनता है, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। और आप भी क्या हो जाते हैं, उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, यानी वो भी आपको बेवकूफ बना जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे जो 3 सवाल हैं उनके जवाब उससे पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, यानी उसके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी चतुराई है, इसका आप पता कर लें। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी, यानी जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, दरअसल में वह एक नकली अकल बहादुर है। अकल बहादुर जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, कि कलाई यानी पोल खुल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो ख्वाजा के अनुरोध, आग्रह करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी यानी बहुत ही होशियार या बहुत ही बुद्धिमान ख्वाजा साहब चाह रहे हैं, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल ने कहा, बिल्कुल हे बादशाह, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, आप खुशी खुशी इन प्रश्नों को मेरे से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3ों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। और क्या किया ख्वाजा साहब ने? अपने 3ों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। और अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। और अकबर ने क्या किया? बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा। और वो पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल, तुम ये बताओ कि संसार का केंद्र कहाँ है? अब आगे क्या हुआ? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। बीरबल ने क्या किया? अपनी छड़ी जो है जमीन में एक जगह गाड़ दी और उसका उत्तर क्या दिया?
यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ये जो स्थान है वह चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच क्या होता है, पड़ता है। यही ख्वाजा साहब, यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। अगर ख्वाजा साहब को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो वो क्या करें, इस केंद्र बिंदु से क्या करें, एक फीता लगाएं और पूरी दुनिया को नाप कर दिखाएं कि मेरी बात गलत है। यानी जैसा सवाल ख्वाजा साहब ने पूछा था वैसा ही जवाब यहाँ पे बीरबल ने दिया। अब आगे अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अकबर ने ख्वाजा साहब का दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? क्या था वो प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवाई और क्या कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान, कहा इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही क्या हैं, तारे आसमान में हैं। अब भेड़ के शरीर में कितने, इसको गिन पाना नामुमकिन है, और उतने ही क्या होंगे, आसमान में तारे होंगे। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो, अगर ख्वाजा साहब को इसमें कोई शक हो तो वे क्या करें, वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। वो इस भेड़ के बालों को गिने और इन बालों को गिनकर इसकी तुलना किससे कर लें, आसमान में तारों से कर लें। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी का अर्थ है यहाँ पे जनसंख्या। संसार की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं संसार में? अब बीरबल ने कहा, जहांपनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती। जवाब दिया कि हे बादशाह, संसार की जो आबादी है वह हर समय हर क्षण क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। क्योंकि यहाँ इस संसार में हर क्षण कोई अगर जन्म लेता है तो वह मरता भी रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, पूरे संसार के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। इसलिए क्या करना होगा, हमें पूरे संसार के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे ठीक ठीक से उनकी संख्या बताई जा सकती है, जबकि यह काम करना बहुत ही असंभव है। आगे बढ़ते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह अकबर जो थे वह बीरबल के उत्तरों से वह संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना यहाँ पर एक मुहावरा आ रहा है और इसका अर्थ होता है अप्रसन्न। और लेकिन ख्वाजा साहब बोले, और क्या बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, आपने जो ये उत्तर दिए हैं ये बिल्कुल गोलमोल हैं और इन जवाबों से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल ने क्या कहा कि ख्वाजा साहब, ऐसे जैसे आपने सवाल पूछे हैं उनके उनके जवाब भी ऐसे ही होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरे जवाब गलत हैं तो उनको आप क्या कीजिए, गलत साबित कीजिए और तब जाके आप आगे बात कीजिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते, यानी जब बीरबल ने ऐसा उनको उत्तर दिया तो उनसे कोई भी बात अब उनके मुंह से नहीं निकली, अपना सा मुंह लेकर वह रह गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आज के समय में बीरबल की तरह चतुर, होशियार और चालाक होना चाहिए, जिससे कि कोई हमें बेवकूफ़ न बनाए और हमारा गलत फायदा न उठाए।
यह आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे।